क्या खाया? बर्थडे के दिन बोंडा खाया। बोंडा खाया बर्थडे के दिन। हैप्पी बर्थडे। इसके साथ क्या हुआ बताओ? जैसे वहाँ से पार्किंग से बाहर निकले तो केक सामने बोनेट पे रखा हुआ था। हमारे केक की क्या हालत हो चुकी है। दोनों के टेस्ट ड्राइव हो चुके हैं। इट्स 650 एंड इट्स Z900। Z900 इज ऑसम यार, क्या पिकअप मिला इसके अंदर और फायरिंग कैसा रही। ये आ गया हमारा बर्थडे बॉय। ओहो खुशी तो देखो। क्या खाया? बर्थडे के दिन बोंडा खाया। बोंडा खाया बर्थडे के दिन। हैप्पी बर्थडे। अरे मेरा बच्चा मेरे पास आओ। हैप्पी बर्थडे प्यार किया दोनों ने गलती किया। नहीं हमारा प्यार तो हमारा प्यार ही है भाई। ओके इट्स 5:09 इन द इवनिंग। कन्फ्यूज था कि घर जाऊँ कि नहीं, घर मतलब कि नांदेड़ जाऊँ कि नहीं। सोचा था दोपहर में 2 बजे के आसपास चल लूँ, फिर सोचा था कि पहले एक टेस्ट ड्राइव ले लूँ कावासाकी Z9 की। कावासाकी का शोरूम काफ़ी दूर है, इट्स ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स। यस 20 किलोमीटर इज़ नॉट सो फार, लेकिन सिटी में से जाना ना बहुत मुश्किल वाला काम था। 1 घंटे का रूट था। गेम ही क्या होता है ये, गेम खेलते बैठ रहा है। तो पता नहीं क्यों आजकल ये नया सा सीख गया है, 2-3 दिन में गेम ही खेलते बैठ रहा है। मैं इधर ही जा रहा हूँ उधर ही जा रहा हूँ। ये मैडम की वजह से हमने ना टेस्ट ड्राइव नहीं लिया आज। सड़ा सा मुंह करते हैं ना फिर लगता है जान दो। सड़ा सा मुंह की छोड़ो, कलर देखो सेम हैंडसम को दिख रहा। माँ कसम सेटिंग करी होती तो तुम पे भी इफेक्ट होता। तुम ज्यादा ऑलरेडी सेट हो मेरे को पता है, मेरे में सेट। अरे आपके केक के साथ क्या हुआ? केक के साथ क्या हुआ बताओ? थोड़ा टेढ़ा हो गया। नहीं ये देखो हमारे केक की क्या हालत हो चुकी है। जैसे वहाँ से पार्किंग से बाहर निकले तो केक सामने बोनेट पे रखा हुआ था। केक बच गया, एक्चुअली गिरा नहीं बच गया। हेलो केक के साथ मजा आएगा ना आप खाने में। सोचा था कि मॉर्निंग में मैं 8 बजे निकलूंगा, 9:30 बजे तक कावासाकी के शोरूम पहुंच जाऊंगा। कावासाकी का शोरूम 9:30 बजे खुल जाता है, उसके बाद टेस्ट ड्राइव लूंगा निंजा 650 और Z900 के। भाई साहब लेकिन 11 बज गए। भगो 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 सामने आप देख रहे हो, लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग में बताया था ये रहा व्रिंची हॉस्पिटल। इंजीनियर कौन था मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बना है जैसे कि ना कोई 5-स्टार होटल या कोई लग्जरी सा महल हो। रीच एट कावासाकी हैदराबाद। अथक परिश्रम करने के बाद पहुंच ही गए भैया। गूगल माता बोल रही यू टर्न ले लो, काहे ले लो। दोनों के टेस्ट ड्राइव हो चुके हैं। इट्स 650 एंड इट्स Z900।
Z900 इज ऑसम यार, क्या पिकअप मिला इसके अंदर और फायरिंग गजब एक नंबर। डन, अपना काम हो चुका है, दोनों बाइक की टेस्ट ड्राइव ले लिए। पहले मैंने 650 ली क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पहले 900 लूंगा ना तो 650 का मज़ा ही नहीं आएगा, सो पहले 650 का मज़ा ले लेते, देन 900 पे शिफ्ट होते। एंड 900 इज़ लाइक ऑसम यार, फोर सिलेंडर इंजन है, साउंड भी अच्छा है, स्टॉक एग्जॉस्ट है, अच्छा ही रहेगा, इतना लाउड नहीं है बट इट्स ओके, बहुत अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, बहुत ज़्यादा लाउड होता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। Z900 पे दिल आ चुका है, बस अब शुभ मुहूर्त देखते कब लगता है। बताए ये केक शॉप देख के ना मेरे को कल के आरोग्य केक की याद आ गई यार, कल जो उसका केक खराब हुआ ना, इस काम को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि पूछो मत। लेकिन भाई साहब आरो ने कुछ नहीं बोला, बहुत समझदार हो चुका है आरो, पता है बहुत ज़्यादा, बस खुश रहो। गुस्सा करता है ऑब्वियसली, अब बच्चा है गुस्सा तो करेगा ही, बट समझदार भी हो चुका है। एंड स्टिल स्टक इन ट्रैफिक, बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इसलिए राहुल मुझे बोल रहा था कि ट्रैफिक बहुत लगेगा आपको सिटी में से जाओगे तो। कोई नहीं, अब हमने चूज़ किया है रास्ता, हमने डिसाइड किया था कि हमें टेस्ट ड्राइव लेनी है तो इतना तो सहना पड़ेगा। आप जा निकाल दिया ये ट्रैफिक ने, सच में इट्स 139 एंड अभी भी हम सिटी में, मतलब सिटी से बाहर आ चुके हैं, बहुत जान जा चुकी है यार, बस अभी भरवाएंगे पेट्रोल, निकलते हैं अभी अपनी मंजिल पे। इतने सारे बंदर है इस जगह में, इतने सारे कि पूछो मत। मैं सोचा था बाहर उतरूं लेकिन मुझे पता था अगर मैं बाहर उतरा तो साला ये मेरे को छोड़ने नहीं वाले, जस्ट से एक नजारा देखो 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 देखो, बंदरों की तादाद तो देखो, ओए होए 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 होए, बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा यार। जो इतने बंदरों के सामने अगर मैं उतर जाता और एक को भी केक का टुकड़ा मिल गया होता तो उसके बाद भाई साहब लोगों ने इकट्ठा मेरे पे झपट्टा लेना था इकट्ठा, और जो मैं हाथ में लगता वो सब लेके निकल लेते, इवन मेरा मोबाइल, पता नहीं क्या क्या लेके चले जाते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे में तो कीड़ा है, मैं एक हाथ से खिलाता और एक हाथ से ब्लॉक करता, भाई साहब इनको क्या पता कि ये उनके काम की चीज़ नहीं है, लेके चले जाते, मैं तो बर्बाद हो गया, इसलिए डोंट टेक इट। देखो भाई सबको पता है हम लोग कितने एडिक्टेड है जिम को लेके। थक गया था ना कि फटाक से सो गया। चलो कोई नहीं, अब बहुत से लोग मेरा स्टोरी देख के बोल रहे हैं जो कावासाकी वाली वो स्टोरी मैंने देखी कि बाइक ले रहे हो क्या, ले रहे हो क्या, ले रहा हूँ, मन बनाया है लेकिन कौन सी ले रहा हूँ अभी फाइनल नहीं किया है, अभी देखते, और ये डिसीजन एकदम फास्ट लिया नहीं जाता कि ठीक है लेना है तो लेना है, एक्चुअली इट्स स्पोर्ट्स बाइक तो डेली यूज़ में तो आएगी नहीं, सो सोच समझ के दिमाग लगा के लूँगा, एकदम गड़बड़ी नहीं करेंगे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार महीने छः महीने में जब भी टाइम मिलेगा तब लेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि शेड्यूल आप समझ ही गए हो क्या होता है, ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आते ही फिर जिम, जिम से घर जाते जाने तक 10 बज जाती है और हालत बहुत ख़राब आ जाती है। फिर भी अब से हम 100% एटलीस्ट 7 दिन में एक ब्लॉग तो बनाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, होप यू गाइस लाइक योर ब्लॉग, जिंदगी बड़ी मस्त है।